मधु नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और जैसा कि हम पुनरुत्थान से संबंधित आरंभिक कलीसियाएं में जो शिक्षा थी, जो कंफ्यूजन थे, और कैसे पवित्र आत्मा ने जो है उनको दूर किया और कैसे पौलुस को गाइड किया, उनको देख रहे हैं। और जिसका वर्णन जो है पहला कुरिन्थियों 15वें अध्याय में, और हम धीरे धीरे करके जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं उसी कड़ी में जो है आज फिर से पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय 20 आयत से लगा करके 28 आयत, पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय 20 आयत से जो है 28 आयत तक, और यहाँ ऐसा लिखा है, परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा और जो सो गए उनमें पहला फल हुआ, क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे मसीह में सब जिलाए जाएंगे, परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से, पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग, इसके बाद अंत होगा। उस समय वह सारी प्रधानता और सारा अधिकार और सामर्थ्य का अंत करके राज्य को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप देगा, क्योंकि जब तक कि वह अपने बैरियों को अपने पांव के तले न ले आए तब तक उसका राज्य करना अवश्य है। सबसे अंतिम बैरी जो नाश किया जाएगा वो मृत्यु है, क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ उसके पांव तले कर दिया है। परंतु जब वो ये कहता है सब कुछ उसके अधीन कर दिया है, तो प्रत्यक्ष है कि जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया वो आप अलग रहा, और जब सब कुछ उसके अधीन हो जाएगा तो पुत्र आप भी उसके अधीन हो जाएगा, जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, ताकि सब में परमेश्वर ही सब कुछ हो। और जैसा हम देखते आ रहे हैं कि एक पहलू हमने देखा कि एक वर्ग ऐसा था जो मसीह के पुनरुत्थान को नहीं मान रहा था, स्वीकार नहीं कर रहा था। पवित्र आत्मा बोलता है मसीह मुर्दों में से जी उठा, और जैसे जी उठा, और हम बार बार देखते जा रहे हैं कि साइंस उसको समझ नहीं पा रहा, लोग उसको समझ नहीं पा रहे कि कैसे वो दीवारों को पार करके आ गया, कैसे उसके जो है शरीर में वो घाव थे, उसने अपने घाव को दिखाया और कहा कि आत्मा के शरीर नहीं होता जैसे मेरे शरीर है। फिर वो इमाउस के मार्ग में हो गया, दूरी उसका कुछ नहीं कंट्रोल कर पा रही थी, वो अगेंस्ट ग्रेविटी उठा लिया गया, उसने खाया, उसने पिया, उसने बातचीत करी, वो चला फिरा और एक दो बार नहीं, वो कई बार लोगों को दिखाई दिया। वैसा ही शरीर जैसा प्रभु यीशु मसीह का था, पवित्र आत्मा यहां बताता है कि विश्वासियों का भी हो, वैसा ही शरीर जो है जो पिता को देख सके, पिता के आमने सामने, जिसका वर्णन जो है प्रकाशित वाक्य के 21वें अध्याय में आया है, आप पढ़ें, आपको बहुत आनंद आएगा कि परमेश्वर बोलता है कि वे मेरे लोग होंगे और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा, और वे मेरा मुंह देखेंगे, हम आमने सामने बैठेंगे और बातचीत करेंगे। और न सिर्फ ये, सबसे अंतिम बेरी जिससे हम सबको डर लगता है वो मृत्यु, मृत्यु का प्रभु अंत कर देगा, और क्रूस पर उसने जो शुरुआत करी, अल्टीमेटली फाइनल जजमेंट के बाद में मृत्यु का अंत, स्वर्ग में मृत्यु नाम की कोई चीज नहीं, बीमारी नाम की कोई चीज नहीं, श्राप नाम की कोई चीज नहीं, दुख तकलीफ नाम की कोई चीज नहीं, आंसू नाम की कोई चीज नहीं, फीलिंग्स होंगे, आनंद ही आनंद होगा। आप अकेले नहीं, परमेश्वर के साथ बने रहे, और क्या चाहिए, अपनी मृत्यु तक परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहे, और एक दिन आप इसका अनुभव कर ही लेंगे। आए अपने सरों को प्रार्थना में झुकाएं और प्रार्थना पूर्वक अपने अध्ययन को जारी रखें। जैसा हमने देखा कि कैसे सिक्के का दूसरा पहलू, जो पवित्र आत्मा ने कहा कि मसीह सचमुच जी उठा है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहला था फल हुआ है। और पुराने नियम जब इजरायली लोग कनान पहुंच गए और
परमेश्वर ने नियम दिए कि जो फसल है उसकी पहली फसल, पहला फ्रूट परमेश्वर के यहां, परमेश्वर के भवन, परमेश्वर के लोग। और यही चीज नए नियम की कलीसिया में प्रभु यीशु मसीह के रूप में पहली फसल जो है वो तैयार हो गई, तैयार हो गई। और जैसा मसीह का पुनरुत्थान हुआ, वैसा ही जो है प्रत्येक व्यक्ति का पुनरुत्थान होगा। अंतिम पुनरुत्थान जिसे द्वितीय पुनरुत्थान कहा गया, न्याय के लिए। कई लोग तो अनंत जीवन में जाएंगे, अनंत स्वर्ग में जाएंगे, और कई लोग अनंत आग में या अनंत नरक में जाएंगे। सो हम इसको पहले देख चुके हैं, और जैसे आदम में सब मरते हैं, एक व्यक्ति के द्वारा जो मृत्यु आई, तो दूसरे व्यक्ति, दूसरे आदम अर्थात प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जीवन आया, और मसीह में सब जिलाए जाते। सो अब हमें डरने की जरूरत नहीं। अभी तक हमें कुछ आशा नहीं थी, लेकिन अब आशा आ गई। और प्रभु बोलते हैं कि सबसे अंतिम बेरी अर्थात मृत्यु जो है वो नाश की जाएगी, और स्वर्ग में मृत्यु नाम की कोई चीज नहीं रही, मृत्यु नाम की कोई चीज नहीं रही। और जो है प्रभु बोलते हैं कि जैसे प्रभु यीशु मसीह की देह थी, वैसी कलीसिया की देह होगी। सो हमें आज हो सकता है कि हमारी अज्ञानता के कारण हमें इतना नॉलेज नहीं है, या हम मनुष्यों की बुद्धि जितनी है हम उतना ही समझ पाते हैं, लेकिन एक दिन जो है हमें यह सब कुछ स्पष्ट समझ में आने लगेगा। लेकिन फिर भी जो है प्रभु यीशु मसीह ने कोशिश करी, पवित्र आत्मा ने कोशिश करी कि मनुष्यों को मनुष्य की भाषा में समझा दे, और जिन्होंने अपने मनों को खोला, जिन्होंने प्रभु को आमंत्रित किया, जो है प्रभु ने उनके अंदर कार्य भी किया। ये हम पर निर्भर करता है कि हम प्रभु को कैसा ग्रहण करते हैं। कई लोगों ने प्रभु को इसलिए ग्रहण करा क्योंकि उनको संसारिक लाभ चाहिए, किसी को कपड़े चाहिए, किसी को अनाज चाहिए, किसी को मकान चाहिए, किसी को एजुकेशन चाहिए, इसलिए वो प्रभु के पास आए। और जब ये चीजें नहीं मिली तो वो वापिस चला गया। उसको प्रभु के जी उठने से, प्रभु के मारे जाने से, प्रभु के दूसरी चीजों से कोई लेना देना नहीं था। उसको तो लेना देना ये था कि मुझे ये चीजें मिले। तो ये कठिन बात थी, क्योंकि जब ये चीजें नहीं मिली तो नाश हो गया। और जो प्रभु बोलते हैं कि सबसे अंत में जो नाश किया जाएगा वो है मृत्यु, मृत्यु। और जो उसका लिटरल मीनिंग है वो है ये कि मृत्यु का नाश किया जाए। और ये एक जगह नहीं आया बाइबल में, कई जगह प्रभु ने बताया कि प्रभु जो है मृत्यु का विनाश कर देंगे। और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो है लोगों को आशा आ गई, और ऐसा होगा ऐसा नहीं, प्रभु यीशु मसीह इस चीज को ऑलरेडी अपने क्रूस की मृत्यु के द्वारा ऐसा साबित कर चुके। उनके पुनरुत्थान से किसी की मृत्यु हुई तो वो थी मृत्यु, वो थी मृत्यु। और जो है प्रभु में हम सब जो है नए हो। और पिलातुस ने प्रभु यीशु मसीह से पूछा कि तू राजा है, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा हाँ मैं राजा हूं, और मेरा राज्य संसार का नहीं। यदि मेरा राज्य संसार का होता तो मेरे सैनिक आकर के तेरे सैनिकों से लड़ते और मुझे तेरे हाथ में सौंपने नहीं देते, लेकिन मेरा राज्य स्वर्ग का है, और प्रभु हमें वहां ले जाने की बात करता है।
प्रभु हमें वो मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहले उठाए। जैसे गेहूं का दाना जब तक मरता नहीं, ऐसे प्रभु यीशु मसीह जब तक मरे नहीं और जी नहीं उठे, ये कोरी कल्पनाएं थी, लेकिन ये आज वास्तविकता हो, ये वास्तविकता हो। मरे हुओं में से जी उठने वालों के कारण वो पहले फल। और जैसे जो है वे संसार में तीसरे दिन और उसके बाद 40वें दिन तक लोगों को दिखाई देते, फिर सबके देखते स्वर्ग उठा लिए गए, वैसा ही कलीसिया का उठाया हो जाना हो। वो मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहले उठे। और वैसा ही जो है कलीसिया का गेहूं का दाना जब तक मर नहीं जाता तब तक नया फल नहीं लाता। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु के द्वारा जो है ये जो फल है हम वो तैयार कर और ये गारंटी हो गई। प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद कलीसिया में ये गारंटी, ये विश्वास हो गया कि कलीसिया का भी पुनरुत्थान होगा। और वैसा ही जैसा स्वयं प्रभु यीशु मसीह का हुआ, सो दोस्तों, इस बात से आनंदित हो, कईयों ने अपने प्रियों को खोया है, लेकिन यदि वे मसीह में हैं, कोई बात नहीं, हम एक दिन उनसे जाके मिलेंगे। जैसे आदम में सब मरते हैं, मसीह में सब जिलाए जाएंगे। सो मसीह में जैसे आदम में जैसे सब मरते हैं, मसीह में सब जिलाए जाएंगे। और जैसे मसीह यीशु स्वयं जी उठे, कलीसिया और उसके लोग भी उठाए जाएंगे। और सबसे अंतिम बैरी जो नाश किया जाएगा वो है मृत्यु। सो प्रभु में हम आनंदित हो कि मृत्यु प्रभु के लोगों का कुछ बिगाड़ नहीं सकती। संसारिक रीति से हमें जो है तकलीफ होती है कि हमारे प्रिय नहीं रहे, ये उनकी कब्रें हो सकती है, लेकिन वे एक दिन जी उठेंगे, हम भी उनके साथ मिलेंगे, अपने लोगों को भी आमने सामने देखेंगे, और जिस पर जय प्राप्त कर वो थी मृत्यु। एक आदम से मृत्यु आई तो दूसरे आदम से जो है जीवन आया, और दूसरा आदम कोई और नहीं, वो हमारा प्रभु यीशु मसीह। सो आए आनंदित हो कि प्रभु ने मृत्यु के भय से हमें आजाद किया। आए दुआ। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि जिससे हमें डर लगता था और जिसके साये में हम जीते थे, जो दुनिया में अंत होता था, वो थी मृत्यु, और आपने मृत्यु के भी अंत कर दिया। और प्रभु आप कहते हैं कि स्वर्ग में मृत्यु नाम की कोई चीज नहीं, लोग हमेशा के लिए आपके सामने रहेंगे और उनका भी पुनरुत्थान वैसा ही होगा जैसा आपका हुआ। क्या कहें पिताजी, अपने आप को आपके समीप लेते हैं, नतमस्तक हैं पिताजी, दिल से, दिमाग से, शरीर से, और प्रभु आपका गुणगान करते हैं। शैतान की जो हार हुई वो आज तक प्रभु विश्वासियों को भी आपने उस पे जयवंत किया और कहा कि शैतान को तुम्हारे पांव तले कुचलवा दे। प्रभु आपने वैसा अक्षर से अक्षर किया। हम फिर से अपने आप को धन्य मानते हैं कि आप जैसे परमेश्वर हमारे पिता हैं। एक बार फिर से सारा गौरव, आदर और महिमा आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन। I am the Lord. There is no other God. I have prepared you even though you do not know me.
so all the world from east to west will know there is no other God. I am the Lord, and there is no other.